ये जो हमारी बड़ी सौगात मिली, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जोनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, अपने यहां कोई अंदाज लगा सकता है कि खास करके इसी रेल के विभाग के द्वारा कोई कहे कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार के माध्यम से हमने क्या डेवलपमेंट के काम किए, तो इसका कोई उदाहरण पकड़ना चाहे, उदाहरण जानना चाहे, तो उदाहरण हमको अपने आप मिल जाता है कि एक उदाहरण केवल है। पूरे स्टेट के अंदर 2013 के पहले, 14 की सरकार के पहले, जब माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और उनके बारे में माना जाता था कि वो फाइनेंस के बहुत जानकार, और उनके लिए उनके लोग कहते भी हैं कि माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार के विकास के कामों का क्या पैमाना, क्या आप बता सकते हैं। बहुत अपने पीठ थपथपा करके वो अपनी सारी ताकत के साथ उनकी सरकार के कामों की स्पीड बताते हैं। अब उनके कामों की स्पीड अपन अगर देखें तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि अकेले 2009 से 2014 के बीच एवरेज हमारे पास मात्र 632 करोड़ रुपया रेलवे के माध्यम से मध्य प्रदेश में खर्चा हुआ। कोई अंदाज लगा सकता है कि 2009 से लगा करके 14 या 13 की आखिरी तक, और उसके उल्टे अकेले 2023-24 में मध्य प्रदेश के अंदर रेलवे अधोसंरचना के लिए, आधुनिकरण और विकास कार्यों के लिए माननीय मोदी जी ने 13,672 करोड़ रुपए की राशि दी। आप बताओ, 4 साल के अंदर 600 करोड़ रुपया, और अकेले एक साल में 13,600 करोड़ रुपया। ये है मोदी जी की सरकार, ये है हमारा रेल का नेटवर्क विकास करने का ये स्पीड, जिसके आधार पे हमारे अपने काम की पहचान बनती है। ये छोटे छोटे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, अरे ये तो 77 में रेल लाइन उखड़ गई थी। और ये आपको जानकारी के लिए बता दूं कि रेल लाइन की शुरुआत भी कब हुई, हमारे यहाँ सिंधिया काल में, जब सिंधिया सरकार थी उनके कारण से महू से आगर तक की रेल लाइन ये छावनी के माध्यम से, और इसी के साथ साथ इसी प्रकार के ये जो मूल रेल की जो आधारशिला थी वो तो उज्जैन आगर ही थी, ये बाद में ही भोपाल और नागदा, ये तो बाद में जुड़े। आपके कई बताने वाले बताते हैं कि जब पहली बार रेल चली थी और रेल के इंजन की आवाज से यहाँ उज्जैन के अपने घरों में बंधे हुए गाय भैंस सब रस्सी तोड़ा तोड़ा के भाग गए, इतनी आवाज सुनने की उनकी आदत नहीं थी, ऐसी जोर का आवाज रेल का इंजन ने करी थी। कोई कल्पना कर सकता था कि ऐसा होता होगा? और हमने वो दौर भी देखा है, जहां से मैं समझता कुछ लोगों ने, बाकी लोग तो, कि जब हमारी ये मीटर गेज चलती थी यहां, नैरो गेज के आधार पर अपनी उसकी स्पीड और आने जाने के लिए, बाबा आप भी थे और जगदीश जी भाई साहब भी यहां बैठे, कई सारे लोगों ने देखा होगा कि वो रेल की चेन बंद करके, रेल का गेट बंद करते थे जाकर हीरा मिल से उधर आने वाले जाने वालों के लिए, और उसी आधार पर ये जो रेल के अगर यातायात में बाधा पड़े तो हमारा यातायात का जवान हाथ बता दे तो रेल भी खड़ी कर देते थे कि चलो छोड़ो, अभी इनको निकल जाने दो, बाकी फिर देखेंगे। लेकिन ये दौर कैसा आया, खसकते खसकते समय कैसा बदला, आज वो समय बदला है कि मैं अभी अश्विनी वैष्णव जी से कह रहा था कि आप अपने उज्जैन इंदौर के बीच मेट्रो ले आए, तो उन्होंने कहा मोहन जी जरूरत नहीं है, आप क्यों कर रहे हो उसको, तो मैंने कहा नहीं करते, आप बताओ, हम तो समझ रहे कि इसकी स्पीड मेंटेन करना है। उन्होंने कहा आप ये स्पीड मेंटेन करोगे पर ये मान के चलो कि उज्जैन इंदौर के बीच में आपको 10,000 करोड़ रुपए की ये मेट्रो पड़ेगी, और उसके उल्टे इसकी स्पीड भी मेट्रो ट्रेन की इतनी नहीं आएगी जितनी वंदे भारत मेट्रो की हम स्पीड दे रहे हैं। उन्होंने कहा बनी बनाई लाइन से आप फतेहाबाद और देवास से चालू करोगे 160 की स्पीड पे हम आपको यहां ले आएंगे। आप अंदाज लगा लो, 40 किलोमीटर इंदौर अपना और 160 की स्पीड से अगर उज्जैन आएगा तो कितना टाइम लगेगा साहब, डीआरएम साहब अंदाज लगा लो, 160 नहीं चलो तो 140 चलेगी, 120 चलेगी, लेकिन 40 किलोमीटर के लिए वर्तमान में वाकई हमारा एक एक पैसा मेहनत का है, हमारे सारे टैक्स का, भारत के प्रत्येक इस देशभक्त लोगों का पैसा है, इसका सदुपयोग करना ये सरकार का भी उत्तरदायित्व होना चाहिए। और उसके साथ साथ ये जो विशेष प्रकार की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डला है, मैंने तो पहले ही कहा कि इस जय जयकार में समझाया कि हमारे इस क्षेत्र की ट्रेनिंग करे हुए विद्यार्थी ने दुनिया में अपना नाम कमाया, भगवान कृष्ण करके उनकी पहचान बनी है, तो आज ये क्षेत्र वापस ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट बन रहा है। ऐसे कितने गोपाल कृष्ण खड़े करोगे जिनके माध्यम से वो भारत माता की सेवा करेंगे, उनके अपने जीवन में उज्जैन से विशेष संबंध आएगा।
अपना लगाव रहेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि विकास के मामले में खास करके ये जो इस प्रकार के पैकेट जो हमारे पास डेड पड़े हुए, एक तरह से ये हमारी दृष्टि के उस आलोक से बाहर थे, उनको आलोक में लाने की जरूरत है। और इसी प्रकार से आज की हम यहाँ के पहले भी एक बैठक करके आ रहे हैं, यहाँ ऐसे कई सारे प्रश्न हैं जिन प्रश्नों के उत्तर हमको ढूंढना है कि हमारी बड़ी आबादी कहीं सिंहस्थ आबादी के माध्यम से वो डेड हो रही कि उनको परमिशन नहीं मिल रही या उनको हटाने की बात आती है, कहीं सिंहस्थ कराएं तो सिंहस्थ में जमीन नहीं मिलती है, एक साल नहीं हर साल सिंहस्थ लगे और कोई कष्ट नहीं आए और विकास का सभी प्रकार के दरवाजे खुले, कोई तकलीफ किसी को नहीं आना चाहिए। इसी प्रकार से सभी विभागों के रेलवे हो हवाई अड्डा हो सारी चीजें इसी प्रकार से चलना चाहिए। मैंने अधिकारियों के साथ मीटिंग लेकर कहा है कि उज्जैन का भी प्लान करो, लेकिन केवल उज्जैन का मत करना, उज्जैन के अलावा भी भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश मध्य का सेंटर है और मध्य का सेंटर होने के नाते से अब जितने भी यातायात के नए नए रास्ते हैं, हमारा ट्रेन का यातायात हो हवाई यातायात हो हर एक प्रकार की हवाई पट्टी हो, क्यों उसका उन्नयन नहीं होना चाहिए, क्यों वहां विकास नहीं होना चाहिए, क्यों आने जाने वाले समय में इन सारी बातों का लाभ नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि जब विकास की दरकार होती है, जब विकास की जरूरत होती है तो कनेक्टिविटी की जरूरत सबसे ज्यादा होती है और कनेक्टिविटी की जरूरत होगी तो उसके रास्ते अपने आप खुल करके आएंगे। मैं अपनी ओर से अपने इस उज्जैन के विकास के मामले में और प्रदेश के विकास के मामले में निश्चित रूप से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार डबल ताकत से चलेगी और नए नए कीर्तिमान बनाएगी। मैं आज के इस अवसर पर अपने इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए बधाई भी देना चाहता हूं, लेकिन अभी मुझे लगता है आपने इसका नाम नहीं रखा है, कहीं इसका नाम रख सकते हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और हमारे यहाँ तो ट्रेडिशनल नाम है, अगर आप उनके नाम पर रखो तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो सुझाव ही दे सकता हूँ। हमारे यहाँ नामों की कोई कमी नहीं है, विक्रमादित्य काल से लेकर राजा भोज के काल तक, चंड प्रद्योत से लेकर सम्राट अशोक तक, सबका संबंध उज्जैन से आया है। उसके अलावा भी आप विद्वानों को जोड़िए और इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का कोई ना कोई नाम भी रखिए। और उम्मीद करता हूं कि अभी तो आपने लेफ्ट साइड में अपना विकास का नया कदम बढ़ाया, मैं अश्विनी जी से बात करूंगा और कोशिश करूंगा कि जो इसके राइट साइड का भी आपकी भूमि पड़ी है यहां भी विकास का बड़ा अपना नया है कोई प्लान बने और उस पर भी आप काम करें। मैं अपनी ओर से एक बार फिर इस रेलवे के नए प्रकार के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बधाई भी देना चाहता हूं और उम्मीद करूंगा कि हमारे माध्यम से उज्जैन ये केंद्र में है तो भविष्य में अभी जो अपनी रेल लाइन की बात माननीय अनिल फिरोजिया जी ने कही है, मेरी बैठक हुई तो एक हो चुकी है जिनमें उन्होंने अश्विनी जी ने कहा कि ये बात सही है कि अब हमारे राजमार्गों के माध्यम से सड़क यातायात को लेकर के तो काफी काम अब बड़ा है मध्य प्रदेश में, लेकिन रेल यातायात में भी बढ़ाने की गुंजाइश, और उस मामले को लेकर उन्होंने कहा कि आप प्रस्ताव दीजिए, निश्चित रूप से रेल के मामले में भी मध्य प्रदेश कमजोर नहीं रहेगा, वो समृद्ध होगा। तो मैं आपके सामने एक विषय उसी में जोड़ देता हूं माननीय विधायक सांसद जी कि ये जो आपने झालावाड़ की बात कही है, वास्तव में हम पहले नागदा जाएं, नागदा से घूमते घामते वापस कोटा जाएं, इसकी क्या जरूरत है? ये डायरेक्टली हम झालावाड़ जाएं, झालावाड़ से आगे दिल्ली तक बढ़ जाएं, इसी की जरूरत है। इसी प्रकार से खंडवा वाले रास्ते की भी बात कही है कि जो अभी अपना एक ही ब्रॉडगेज बन रही है तो एक ब्रॉडगेज के बजाय डबल लाइन वहां भी डल जाए, तो जो वर्तमान में साउथ का जितना ट्रैफिक आता है वो ट्रैफिक पहले साउथ से इटारसी, पहले खंडवा आता है, खंडवा से इटारसी जाता है, इटारसी से भोपाल आता है, भोपाल से ग्वालियर जाता है, लगभग 200-250 किलोमीटर का ज्यादा चक्कर लगाता है। जिनको दिल्ली जाना है अगर वो खंडवा से सीधा उज्जैन आ जाए, उज्जैन से मथुरा के रास्ते दिल्ली पहुंचेगा तो उसकी दूरी भी घटेगी और हमारे लिए समय की और बाकी चीजों की बचत भी होगी। ऐसे कई चीजों की संभावना का द्वार निश्चित रूप से रेल मंत्रालय के माध्यम से माननीय मोदी जी की सरकार खोलेगी, क्योंकि अब हम सब जानते हैं कि लगभग 1.25 महीने के बाद नए दौर के नई व्यवस्था के लिए लोकतंत्र के इस पावन मंदिर में एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी की सरकार अपना तीसरी बार का टर्म के लिए आशीर्वाद लेने जाएगी। लेकिन मुझे मालूम है उसके पहले भगवान राम के मंदिर की जय जयकार का भी हमको एहसास है। अपने इसी पूरे देश के अंदर वो ऐतिहासिक घड़ी जब 500 साल पहले का वो कलंकित इतिहास को बदलते हुए वर्तमान के दौर में हम अपनी आंखों से ये अपने चक्षुओं से वो क्षण को निहारेंगे, वो एहसास हमको होगा कि गर्भगृह में रामलला खुद विराजमान होंगे और रामलला के विराजमान होने वाली घटना को यहाँ के करोड़ करोड़ लोग, अरे कैसा आश्चर्य है, हमारे अपने देश के लोग तो लालायित है ही सही, लेकिन मॉरिशस और ऐसे कई सारे अन्य देशों के लोगों ने भी कहा है कि जो
इस दृश्य को निहारने चाहते सनातन धर्मावलंबी उनको वो छुट्टी दे रहे हैं। और तो और बगल के आसपास के कई दुश्मन देश भी हमारी तरफ इस तरह से आशा के साथ देख रहे हैं कि आपके इतने बड़े आराध्य के लिए एक बड़ी घटना होने वाली है और वो सब सम्मान से देख रहे हैं। लेकिन तथाकथित अभी कुछ लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया कि भगवान राम के मामले में फिर वो अपमानजनक स्थिति क्यों कर रहे हैं। मैं समझ सकता हूं कि विपक्षी लोगों कम से कम जब चुनाव आए तब आप जो करना कर लेना, लेकिन आज तो ये भाव मत लाओ कि आप भगवान राम के उस ऐतिहासिक क्षण को निहारने से आप वंचित हो जाओ, आप बड़े समाज को लज्जित करने के भाव ला रहे हो, यह बहुत दुर्भाग्य की बात होगी। मुझे निश्चित रूप से भरोसा है कि जिन जिन लोगों ने इस आमंत्रण को ठुकराया होगा वो पुनर्विचार करेंगे और हमारी सारी भौषिक भावनाओं का सम्मान करेंगे, नहीं तो ये जो आंधी उठेगी इस आंधी में ऐसे निर्णय वालों आते पते नहीं लगेंगे। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं वो कहां जाएंगे, वो किस रूप में जाएंगे, कोई नहीं बचा सकता उनको। भगवान राम का अगर इस प्रकार का भाव लाते हैं तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। मेरी अपनी ओर से फिर एक अच्छे कार्यक्रम की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।